Hi, good evening everybody. I'm Aditi and I take UGC NET English Paper 2 classes every day at JRF Adda 5 PM sharp. इसी के साथ हम हमारे session को आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले हम item 2.0 की बात करेंगे जो valuable pack है in demand. इसमें आपको paper 1 और paper 2 मिल रहा है और जो भी आपको subjects offer किए जा रहे हैं नीचे दिए गए हैं. You are having this pack for 13999. इसके अंदर आपको मिल रहा है basic to advanced course, test series, handbook, live session, crash course and interview guidance program. इसी के साथ अगर आपने अभी तक application को install नहीं करे तो किसकी इंतजार कर रहे हो, प्लीज प्लीज डू दैट. अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज डू दैट एज वेल. इसी के साथ आपको पता होगा 20th अप्रैल को हमारा ऑल इंडिया जेआरएफ लाइव टेस्ट फिर से शुरू हो रहा है. आप अपना पेपर 1 का प्रिपरेशन यहां से चेक कर सकते हैं. ये शुरू होगा 8 बजे और ये चलेगा 21 के रात को 8 बजे तक. रिजल्ट आपका नेक्स्ट डे ही आ जाएगा, तो ये कर लो, ये इंपॉर्टेंट है. इससे आपको काफी कुछ पता लगेगा अपनी प्रिपरेशन के बारे में, आपकी तैयारी कैसी चल रही है या किस चीजों पर काम करना चाहिए या आपके क्या फ्लॉज हैं जो आपको कंप्लीट करने चाहिए या आपको जो गैप है वो आपको भर लेना चाहिए. जो गैप यहाँ पे, यहाँ से आपको पता लगेगा कि किन किन चीजों में आपको और काम करना है. टेस्ट का एक्सेस के लिए आप सिर्फ जेआरएफ अड्डा की ऐप से कर सकते हैं, तो इसलिए ऐप को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है. आज हम बात करेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स जेआरएफ तक हमें लेके जा सकता है, क्या वो हमारा एक स्टेप जेआरएफ के लिए हमें पास ले आएगा उसके, या हमें उसके करीब पहुंचा देगा. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. तो फटाफट से शुरू करते हैं कि जैसे अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, सिंस अभी भी हमने देखा कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं, विच क्लियरली मीन्स कि एग्जाम ऑब्वियसली पोस्टपोन नहीं होगा, बट करीबन हमारे पास अभी 40 से 50 दिन है. इस वक्त पे हमें क्या करना चाहिए, या इफ यू आर अ बिगिनर, यू हैव जस्ट वोकन अप और आपको लग रहा है कि शायद मुझे ये अटेम्प्ट दे देना चाहिए, अभी तक एग्जाम नहीं आउट हुआ है, फॉर्म नहीं आया है, तो हम उसकी भी बात करेंगे कि उसको भी इस वक्त क्या करना चाहिए. और दो स्टूडेंट्स हु आर इन टू द रिविजन मोड, शुड दे पिक अप प्रीवियस ईयर पेपर्स. और पहली बात तो अगर हम आखिरी में प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा रहे हैं तो मतलब उसकी कुछ तो अहमियत होगी, तो क्या वो वर्थ इट है उठाना, ये हमारे कुछ सवाल है जिनको आज हम आंसर करेंगे हमारे इस छोटे से सेशन में. तो सबसे पहले तो इन और अराउंड हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 40 से 50 दिन है. इस टाइम में आप रिविजन मोड में होंगे. ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी कुछ महीनों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ महीनों से, चाहे पिछले 6 महीनों से या 2 महीनों से, कि कुछ अपना बिगिनिंग शुरू कर दिया उन्होंने एग्जाम को लेके. तो क्या उनको प्रीवियस ईयर पेपर उठाने चाहिए, क्या वो इतने इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें इतनी वेटेज दे रहे हैं लास्ट के ये कुछ दिनों में, या हमें ये वो दिन यहाँ पे हमें यूटिलाइज या वेस्ट, आप इसे जो भी कह के चलो, क्या हमें ये करना चाहिए. तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे. तो मेरे सजेशन से तो भाई आपको बिल्कुल ये सॉल्व करने चाहिए. इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आई वुड से दिस वुड बी अ गुड स्टार्ट. अगर आप थोड़ा भी फेमिलियर हैं अपने अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड के सिलेबस से, तो भी आप एक आइडिया लेने के लिए भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स खोल के बैठ सकते. उसको देख के हमें इतना हॉच पॉच में नहीं जाना कि अरे ये क्या है, बट इसको लॉजिकली स्मार्टली पेपर को एनालाइज करना है. उसमें उसको हमें हमारे क्या करना है, स्मार्टली हम उसको एनालाइज करेंगे, जिसमें हम पेपर का ट्रेंड देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, ताकि जब हम अपनी तैयारी या रिवीजन कर रहे हैं तो हम उस तरीके से कर रहे हैं. प्रीवियस ईयर पेपर हमें हेल्प कैसे करता है, सबसे पहले तो हमें फेमिलियराइज कराएगा टाइप ऑफ क्वेश्चन से. ये मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी अपने रिवीजन मोड पे हैं. बिगिनर्स तो है ही है, वो तो उठा ही रहे हैं, उन्हें तो बहुत कुछ पता लगेगा, उनके लिए तो इट इज चेरी ऑन द केक. पर जो लोग अभी रिवीजन मोड पे हैं, तो क्या हम उन्हें प्रेफर करेंगे, क्या हम उन्हें रेफर करेंगे, क्या वो लोग प्रायोरिटी देंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को? तो आई वुड से कि दिस वुड बी अ गुड स्टार्ट फॉर यू, दिस वुड बी अ गुड रिविजन मोड फॉर यू. जब अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा रहे हैं, एक तो आपको इससे सिर्फ ट्रेंड और पैटर्न नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, पर आपको इससे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता लगेंगे. सो दैट जब आप अपने रिवीजन मोड में हैं, तो आपको पता होगा कि मुझे अब इस रिवीजन मोड पे इस पार्ट पे भी फोकस करना है. अगर मैं डिकेंस की सबकी समरी पढ़ रही हूं, तो मुझे ये पता लगेगा कि उस समरी में से मुझे कैरेक्टर लिस्ट देखना है, मेन कोटेशंस देखनी है, या कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो मुझे ध्यान में रखने हैं, या उनका क्रोनोलॉजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखना है, या उसमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल कैरेक्टर्स है, मुझे उन पे ज्यादा वेटेज देनी है. मुझे ये सब चीजें कैसे पता लगेगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में से टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं, वो चीजें मैंने ढंग से एनालाइज करी है, तो मुझे पता है कि यहां से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और वहां से ये इंपॉर्टेंट है. इसलिए यहां पे प्रीवियस ईयर पेपर्स का रोल है, और काफी इंपॉर्टेंट रोल है, काफी वैल्यूएबल है. तो अगर आपके पास ये 40-50 दिन है, आप इनको अच्छे से यूज करना चाहते हैं विदाउट
विदाउट एन ओवर थिंकिंग या बिना इंतजार किए एप्लीकेशन फॉर्म के, अगर आप अपना हर एक दिन यूज करना चाहते हैं तो आई वुड से प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना वुड बी अ ग्रेट ग्रेट मूव. इससे फायदा क्या होगा? इससे सिर्फ ये एक फायदा नहीं है कि आप टाइप ऑफ क्वेश्चन पता लग जाएंगे. पहली बात तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है. इससे हेल्प होगी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन पता लगेंगे, क्रोनोलॉजी से पूछे जाते हैं. आपको पता लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ कोई नॉवल समरी, कोई ऑथर वर्क ही नहीं पूछे जा रहे, बल्कि आपसे लिटरेरी थ्योरी से, क्रिटिसिज्म से कुछ टर्म्स पूछी जा रही है, किससे कॉइंड है ये पूछा जा रहा है. और आपको पता लगेगा कि कुछ पेन नेम्स पूछे जाते हैं, कुछ सूडोनेम्स पूछे जा रहे हैं. इसके बाद आपको ये भी पता लगेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सीधा सीधा पूछे जा रहे हैं कि शेक्सपियर के सोर्सेज कहां से लिए गए हैं या ये सर्टेन सोर्स अडॉप्टेड कहां से है. तो ये जो वैरायटी आपको पता लगती है, तब आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है. अब मैं रिविजन कर रही हूँ ब्रिटिश लिटरेचर की, तो मुझे ब्रिटिश लिटरेचर में सिर्फ हमें समरी पे नहीं जाना, हमें किसी वर्क पे नहीं जाना, बल्कि हमें उस बीच में जो मूवमेंट्स हुए हैं हमें वो भी देखने हैं, उस बीच में जो पीरियोडिकल्स मैगजीन्स आई हैं हमें वहां पे भी फोकस करना है. तो इस तरीके से जो है ये सब चीजें आपको पता लगती है जब आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं. तो ये तो हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट भैया कि हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता लग रहा है. दूसरा है कि ये हमें कॉन्सेप्ट से फेमिलियराइज कराएंगे, पैटर्न से फेमिलियराइज कराएंगे. अब इससे क्या होगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो और आपको पता है कि ठीक है यू आर सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स डेली एज वेल, ऑन अ डेली बेसिस आप ये सॉल्व कर रहे थे, तो एक तो आप उस एनवायरमेंट से फेमिलियराइज हो गए, हैबिचुअल हो गए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वहीं पे बूस्ट हो गया, आपकी जो नर्वसनेस एंग्जाइटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी. इसीलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन भी डेली बेसिस पे करना चाहिए, एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे करना चाहिए अपना एक टाइमर लगा के, ताकि एग्जाम में वो हमें बोरिंग ना लगे, एग्जाम में वो हमें लेंथी ना लगे, एग्जाम में कुछ एब्रप्ट नहीं लगे कि अरे एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ये क्या आ गया स्क्रीन पे, मुझे बैक एंड फोर्थ जाना पड़ रहा है. अगर हम ये सब चीज़ें डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो हमें बहुत हेल्प करेगी. इसी के साथ आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, आपको प्रैक्टिस में ये चीज़ें अप्लाई करने को मिलेगी जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं. सिर्फ हम थियोरेटिकली जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे थे, अब सिर्फ वो नहीं होगा. हम कॉन्सेप्ट भी डिटेल में करेंगे बट उसके साथ साथ हम वाया प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी लाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे. अगर आप पहले टाइमर लगा के कोई चीज सॉल्व कर रहे हो या अपने घर पे आपने कुछ मॉक टेस्ट लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स लिए, एनटीए का पैटर्न देखा, फिर हम एग्जाम में जाके कर रहे हैं, तो हमें काफी हेल्प होगा. अब हमें टेस्ट पैटर्न तो इसके साथ पता लग ही रहा है, इसके साथ साथ हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पता लग रहे हैं, किस तरीके के आते हैं, किस वैरायटी में आते हैं, पेपर ट्रेंड भी पता लगा, फेमिलियराइजेशन हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है. इसके अलावा हमें और चाहिए क्या? अब मेन मुद्दा ये है कि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें पसंद है, हमें करना पसंद है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें करना पसंद नहीं है. तो अब ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पे आप ये चूज कर रहे हो कि आई लव टू डू दिस, कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स इसलिए उठा रहे हो क्योंकि मुझे पसंद है, या आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है पर आप नहीं उठा रहे हो, क्यों? क्योंकि आई डोंट लाइक टू डू दिस. तो क्या अभी आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हो? क्या अभी आप अपना वो चीज़ प्रायोरिटी दे सकते हो, आपकी लाइकिंग्स, कि मुझे ये पसंद है ये करना है या ये नहीं है तो ये करना है, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है कि ये मूवी मुझे पसंद है आज मैं बिंज वॉच करूंगी. ये समझ आता है कि कोई चीज़ आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छा कर रहे हो, और वीकनेसेस अगर ज़्यादा कुछ ऐसे यूनिट्स है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन. बट यहां पे हमें ये फंडा लगाना है जो कि होगा जस्ट डू इट का. अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये देखें कि मुझे ये पसंद है ये नहीं है. अब आपको जो भी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, जो भी एरिया लग रहा है रेपिटेटिव है, वो हमें सीधा कर लेना है. इसी के साथ हमने एक मैराथन किया अभी दिसंबर 2023 का, जिसमें हमने पूरा पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन में किया, तो उससे पता लगा कि काफी हेल्पफुल है. लास्ट के दिनों में वो काफी एक बूस्ट है. तो इसी के साथ हम लेकर आ रहे हैं पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स पिछले 10 साल के जो डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन होगा. ये नहीं कि आपको सब ऐसे का ऐसे ही थमा दिया, साथ के साथ एंगेज करके, इंटरैक्ट करके, इकट्ठे मिलके सॉल्व करेंगे. और वीडियो सॉल्यूशंस है, यू आर हैविंग दिस फॉर 3999. पेपर वन में भी आपको मिलेगा और पेपर टू में भी. पेपर वन करा रही हैं अदिति मैम, पेपर टू करा रही हूँ आई एम ऑल्सो अदिति, एंड पेपर टू इज बाय मी. तो ये चीज़ है, आप अपने एंड से सॉल्व करना चाहते हैं तो अपने एंड से करो, और यहाँ पे आपको मैं भी करा रही हूँ. इफ़ यू फील लाइक एनरोलिंग इनटू दिस तो प्लीज़ गो फॉर दिस. ये क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी अप्रैल 24 से. एनरोलमेंट शुरू हो गया है, तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? अगर आप करना चाहते हो तो इसे कर लो. एंड ऑल द बेस्ट. प्रिपेयर वेल. कोई एंग्जाइटी, कोई नर्वसनेस नहीं लेना है. बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास जितना टाइम है और मुझे जो चीज़ें लग रहा है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, उसको बस कर डालना है.
आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ वो चीज़ें करनी है एंड दैट्स इट. सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. इफ यू हैव समथिंग एल्स टू शेयर, आर कॉमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर दैट. प्लीज़ प्लीज़ गो फॉर इट एंड दैट्स इट. टेक केयर, बाय.